Welcome to Quality Coaching Academy. क्या हाल है जी? सब ठीक है? लॉजिकल है कि नहीं? फिलहाल नहीं है। आप में से कितने लॉजिकल हैं? नहीं, आप कितने लॉजिकल हैं? 100% लॉजिकल है। ओके जी, देखिए, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया था मेरे साथ, मेरे ख्याल में कपल वीक्स बैक, तो वहाँ पे मैंने ये बात की थी कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको लॉजिकल होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो लॉजिकल अगर आप हैं तो फिर आपको मोस्टली क्वेश्चन के आंसर देना आसान हो जाते हैं। कुछ चीज़ें एनालिटिकली होती हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे? लॉजिकली होंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर वन है, आई डोंट नो इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, Find the next letter in the given series A C F J O. अच्छा, ओके, या द करेक्ट आंसर, मैं भी यही कहना था कि मैं तो नहीं हूं, तो द करेक्ट आंसर इज यू। ओके, कैसे आता है इसमें? देखें, ए फिर सी है तो कितना बीच में रह गया, वन अल्फाबेट रह गया, ए बी सी, फिर इसके बाद सी के बाद दो छोड़ दिए, फिर इसके बाद एफ के बाद एंड सो ऑन, दैट्स राइट। सो आखिर में क्या आएगा? यू आ जाएगा, दैट्स राइट। ओके, नेक्स्ट वन, क्लास ए हैज अ हायर एनरोलमेंट देन क्लास बी, राइट? क्वेश्चन नंबर आप खुद देखिए मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर वो डिफरेंट है। ओके, Class C has a lower enrollment than Class B, where Class A has a lower enrollment than Class C. If the first two statements are true, what about a third one? False. क्यों false है? अच्छा, आपका इसका procedure क्या है? Main चीज़ ये है कि आपको procedure पता होना चाहिए। इसमें आपके पास जो relation given है उसको आप foreign लिख लिया करें। जैसे कि गिवन है कि क्लास ए हैज अ हायर एनरोलमेंट, दैट मींस ए हैज अ हायर एनरोलमेंट देन बी, सो सिंपल राइट, ए इज ग्रेटर देन बी। अगला फिर है, सी हैज अ लोअर एनरोलमेंट देन क्लास बी, सी हैज अ लोअर एनरोलमेंट देन बी, इसका मतलब यह है कि सबसे कम एनरोलमेंट किस क्लास में हो रही है? सी में हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्या ए सी से कम होगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट? अच्छा, ये ध्यान में रख लें कि बाजों का तुम्हारे पास स्टेटमेंट्स आते हैं कि अगर ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए होगा? मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, यानी अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो क्या बी का वही रिलेशन ए के साथ होगा? क्यों? अगर 5 6 के बराबर है तो क्या 6 5 के बराबर नहीं होगा? वैसे जनरली अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर होगा, लॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी का बेटा है तो क्या बी ए का बेटा होगा? अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई होगा? क्यों? बहन नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती है ना, तो जरूरी नहीं है। ए अगर बी का भाई है तो बी ए का बहन भी हो सकती है, तो अगेन ये ट्रू नहीं है। ये मैंने बताया थोड़ा सा लॉजिकली कंटेक्स्ट में, आगे जब आपके पास आते हैं स्टेटमेंट इस तरह आएंगे, अगला सवाल आ रहा है तो आपके जहन में ये होना चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आप देखें, इसमें आपको यूजुअली तीन स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जो कि फैक्ट्स होते हैं, और आगे फिर आपको एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। You may have two statements, you may have three statements, बढ़ा भी सकते हैं, और आपने बताना है based on the given information, जो facts हैं उन facts को use करते हुए, ये नहीं देखना कि हकीकत में क्या हो रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था, logical में ये चीज़ नहीं है, जो given है और कह रहे हैं कि ये fact है तो उसको आपने accept करना है। जैसे कि question 3 यहाँ पे, अगला जो भी सवाल आ रहा है, fact 1 है All dogs like to run.
राइट। सेकेंड है फैक्ट सम डॉग्स लाइक टू स्विम। थर्ड सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स। ऑब्वियसली ट्रू तो नहीं है ये, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि ट्रू है, क्योंकि डॉग्स जो हैं कैन दे बी लाइक देयर मास्टर्स। मास्टर्स के मालिक होता है ना, तो उसके बराबर तो नहीं होगा ना, शेप दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई डॉग्स जो हैं, सम ऑफ डॉग्स नॉट ऑल ऑफ डॉग्स। अब इसमें ऑल का वर्ड यूज हो रहा होता है और सम का वर्ड यूज हो रहा है। अब जरा ये जरा समझ लें कि जब भी ऑल आता है तो सम ऑटोमेटिकली होल्ड होता है, लेकिन जब सम आता है तो ऑल जरूरी नहीं है। ठीक है, राइट। सो अब ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स जो है हमें ये ट्रू है, इफ दे आर द फैक्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो बी फैक्ट्स। अगर वो फैक्ट हैं तो क्या ये भी फैक्ट्स हैं कि नहीं है? फर्स्ट वन, ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर्स। डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन, एंड डॉग्स हु लाइक टू रन डोंट लुक लाइक देयर मास्टर्स। अब देखिए, इसमें आपने देखना यही है कि ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में आपने बात करनी है। तो फर्स्ट ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो फैक्ट है, ऑल डॉग्स लाइक टू रन। ऑल डॉग्स लाइक टू रन, कुछ उसमें मतलब स्विमिंग को पसंद करते हैं, तो जो स्विमिंग को पसंद करते हैं वो लाजिम बात है वो दे आल्सो लाइक टू रन, ठीक है ना। लेकिन वहां पे नीचे क्या आ रहे हैं भाई, सम की बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा था जहां पे सम आएगा वहां पे मसला आएगा। तो फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं, ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर, लेकिन हम कह रहे हैं कि सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर, तो ऑल वाला ट्रू, सम का ट्रू है तो ऑल ट्रू नहीं हो सकता। डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन, वहां पे ऑल दिया हुआ है कि ऑल डॉग्स लाइक टू रन, सम जो है वो वहां पे स्विमिंग पसंद कर रहे हैं तो उधर से ही आ रहे हैं, तो ये वाला ट्रू है, राइट। डॉग्स हु लाइक टू रन डोंट लुक लाइक देयर मास्टर्स। अब देखें, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी, बिकॉज सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर। अगर ऑल डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर होते तो फिर सिचुएशन चेंज होती। ओके, सो द आंसर इज ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू, यस टू ओनली आएगा आपके पास। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, मतलब जो नेक्स्ट सवाल आता है उसका, हैव यू डन दैट? ओके, देखिए इसमें मेन जो पॉइंट होता है वो ये है कि आप कोशिश करें कि उसकी ज्योमेट्री को ड्रा कर लिया करें, ज्योमेट्रिकली उसको देख लिया करें कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे कि एट द बेसबॉल गेम हेनरी वॉज सिटिंग इन सीट नंबर 253। ओके, हेनरी जो है एच, वो कहाँ बैठे हुए, बेसबॉल की गेम हो रहा है, क्रिकेट का गेम हो रहा है, तो 253 तो आप लिख लेंगे कि भाई जो हेनरी है उसकी ये पोजीशन है। अब अगला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मार्ला वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी इन सीट 254। तो मार्ला अगर हम राइट पे बात करें तो वो 254 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वॉज जॉर्ज। तो इसके जो लेफ्ट पे है वो जॉर्ज है, वो कहां पे होगा, उसके लेफ्ट पे है, तो दैट विल बी 252। इज दैट राइट? और फिर क्या कह रहे हैं कि जो एनजे है दैट वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, तो वो यहां पे फर्दर आ जाएगा, वट एवर जो भी लिखते हैं, एल लिखते हैं, आई लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 251। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 251, जो कि ऑप्शन ए है। इज दैट राइट? अब थोड़ा सा एनालिटिकल वाला सवाल आ रहा है अगला, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो भी क्या हुआ है, क्या बात है, बला तकड़ा है रेखा। ओके जी, नेक्स्ट आप देखें, इसमें कोई इशू है किसी को? ओके जी, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, विद हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली, इन हाउ मेनी डेज सी विल डू दैट वर्क। देखिए, ध्यान में रख लें, आपने इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है।
ऐसा नहीं है कि आप एवं तुक्का लगा लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के जहाँ पे बिस्मिल्लाह खत्म हो गया वहाँ टीका आंसर लगा लें, इतना लग रहा है। अच्छा देखिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात स्टूडेंट थोड़ा मतलब गलती कर जाते हैं। अगर ए कंप्लीट करता है एक वर्क को 16 डेज में, तो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा? इफ वर्क ए जो है दैट इज कंप्लीटिंग वर्क इन 16 डेज, हाउ मच वर्क विल बी डन इन वन डे? ये दैट विल बी 1/16 इन वन डे, उसने कितना काम किया होगा? 1/16, राइट? ओके जी, वी आर बी इज डूइंग द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज? 12 डेज, सो इन 1/12 विल बी द जॉब डन इन वन डे। हमें किसका चाहिए? सी का, हमें सी का चाहिए। तो सी के लिए तो हमें पता नहीं है, तो हम एस्यूम करते हैं कि सी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स करें, पी करें, डी करें, जो भी आपको अच्छा लगे अपना नाम लिखें। व्हाट अबाउट वन डे? 1/x। नाउ दे आर कंप्लीटिंग व्हेन दे वर्क टुगेदर, ये तीनों जब एक साथ में काम कर रहे हैं तो ये काम कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में? 4 डेज में। इसका मतलब ये है कि ए विल बी वर्किंग फॉर हाउ मेनी डेज? 4। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1/16 होगा। सेम थिंग बी जो है, इट्स वर्क फॉर 4 डेज, 1/16, एंड दिस इज ऑल्सो 4 × 1/x। इन तीनों का सम क्या होगा? दैट इज 1/4 प्लस, सॉरी इट्स 1/12, माई फॉल्ट। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा, ये 1/3 आएगा, 4/x आ जाएगा। ठीक है, अब ये वर्क डन है, दो तीनों ने मिलके काम कर दिया है, इसका मतलब है कि 1/4 प्लस 1/3 प्लस 4/x दैट इज इक्वल टू, अब ये टेक्निकल पॉइंट यहां पे आपने समझना है, ये क्या होता है, ये इसका एक प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शन है उसका, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है द वर्क डन। तो इन तीनों फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। 1 मतलब 100% वर्क डन। तो जब भी हम 100% की बात करते हैं मींस 1, खबर आप होगी ना? तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी 1। किसको इशू है? ये फ्रैक्शन ऑफ द वर्क और परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाई ए, दैट्स द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाई बी, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ वर्क डन बाई सी। तो इन तीनों के काम को मिलाएंगे तो काम हो चुका है ना। और जब वंस वी से समथिंग इज डन, इट मीन्स 100% डन, एंड 100% मीन्स 1, 100/100 दैट मीन्स 1। ओके, अब इसका आपने एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, इसको आप इधर लेके आते हैं 3, इसको आप इधर लेके जाते हैं प्लस 4, प्लस 4/x इज इक्वल टू 1, दैट इज 7/12 प्लस 4/x इज इक्वल टू 1। इसको उधर लेके जाना है, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स आता है ना? ओके, तो क्या बन जाएगा? 4/x इज इक्वल टू 1 − 7/12। 1 − 7/12 क्या होगा? अगेन एलसीएम आप लेंगे, दैट बिकम 5/12। ठीक है, ये 5/12 आएगा। ओके, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इधर इसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा करें, ये बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 5। इसे कितना आता है? दैट एक्स इज इक्वल टू जी 48 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 9.6 समथिंग। किस किसने गलत किया है? किस किसने गलत किया है? अच्छा, आपने गलत किया है, नहीं किसी ने बताया अभी कि 9.6 आता है? ये उसने तुक्का लगाया था, दूसरे किसी किया आपने? दैट्स गुड, ये मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल तरीके से किया था। अच्छा, इसमें एक बात का, इसमें इस तरह भी सवाल आते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता कि वो तीनों मिलके काम करते हैं,
उसमें यह होता है कि ए और बी जो है वो पहले दो दिन काम करते हैं साथ में, तीसरे या चौथे दिन में सी भी आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर कैसे फाइंड करना है कि सी वो कितने दिनों में खत्म करेगा, या अगर वो मिल जाते हैं तो फिर कितने दिनों में खत्म करेगा। तो कंसेप्ट आपने इन सब का ऐसे ही यूज करना है, ओके, जो मैंने बता दिया है। यूजुअली इसमें मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ जो उसके डिटेल लेक्चर्स हैं। ट्रेन का मैंने बनाया था, किसी ने वॉच किया कि नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैंने कहा था लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगा तो आप लोग वॉच करें इसको। ट्रेन के जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो उसकी लेंथ कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, दो ट्रेन आपस में आ रहे हैं उल्टे साइड में आए तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सही है। माई नेम नूर बादशाह UET, नूर बादशाह स्पेस है बीच में, UET फॉर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर नेम से सर्च करना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट आप लिंक पे जाते हैं लिंक करना चाहें बाकी तो वही आएगा YouTube वगैरह वगैरह ब्ला 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 /@ ऑफ नूरशाह, ठीक है। तो वहां पे आप जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली मैं जो स्किल